Hey guys, how are you all? Crazy, exciting, outstanding, mind-blowing, interesting, wonderful, beautiful. I really hope so, because I am so. So guys, 2021 has come. A wonderful, great year has come. You know, just look at this figure, 2021. You know, ye 21 aata hai 20 ke baad. So this year has come after a lot of struggles, and this year has come for a lot of growth. In terms of everything, you know, in terms of finances, in terms of spirituality, in terms of wisdom, in terms of knowledge, in terms of success, in every aspect of life. So guys, first of all, happy new year. And second thing, मैं अभी सोच रहा था कि यार बहुत टाइम से कुछ ऐसा नहीं किया जो कुछ नया हो, मतलब जो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ या फिर बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ. So I was thinking यार क्या किया जाए. So I thought कि यार बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया. And I really wanted to talk about something very beautiful, and that is, you know, very important part of anyone's journey of success. You know, कि अगर कोई खाना है, okay, अगर कोई delicious food हो, delicious dish हो, और अगर वो salt नहीं है उसमें, तो क्या हो सकता है? ये example आपने बहुत बार सुना होगा salt वाला तो, but I want to relate this with my topic for today's video. कि अगर कोई डिलीशियस खाना है उसमें सॉल्ट नहीं है तो बेसिकली कुछ खास नहीं होगा, बट इनफैक्ट कुछ नहीं होगा, राइट? सो व्हाट इज दिस सॉल्ट एज फॉर मी, यू नो, दिस डिलीशियस फूड इज कॉल्ड सक्सेस एंड दिस सॉल्ट इज कॉल्ड फेथ. यू नो, बहुत लोग काम करते रहते हैं, बहुत लोग ने डिसाइड किया हुआ है कि लाइफ में कुछ बड़ा करके ही मरना है, मतलब पता ही है कि कुछ उखाड़ना है. मैं लोगों ऐसे लोग की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी तक बुलशिट कर रहे हैं, अभी तक नॉनसेंस कर रहे हैं, खुद की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, खुद की लाइफ में एक्सेप्टेंस ही नहीं कि यार आई एम सकिंग इन लाइफ नाउ. वो एक्सेप्टेंस नहीं है, उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग टू स्पेसिफिक पीपल जिन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि यार मुझे साला बुलशिट नहीं करना है, मुझे कुछ बहुत उखाड़ के जाना है, एंड आई रियली वॉन्ट टू लिव माई ड्रीम लाइफ. सो दे डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर ड्रीम्स, एंड लकीली आई एम वन ऑफ देम कि मुझे कुछ 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 कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सब कुछ टिक करके जाऊंगा साला ऊपर. ओके, सो आई वॉन्ट टू टॉक टू ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि जर्नी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार फेथ कम हो जाता है इंटरनली, मतलब काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, बहुत सारा काम किया, हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, दिस दैट एक्शन सब चालू है, लेकिन इंटरनली ये चीज़ कम है, वो फेथ, यू नो, फेथ ही कम है, बिलीफ कम है. मतलब कि ये तो ऐसा हो गया कि मतलब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उन लोग की लाइफ में दो चीज़ चलती रहती है, वन इज़ इनटेंजिबल एंड वन इज़ टेंजिबल. सो टेंजिबल जो होता है वो है काम करना, यू नो, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट इनटेंजिबल चीज़ें भी बहुत होती है. उन लोग के प्रिंसिपल्स होते हैं, उन लोग की बिलीफ सिस्टम होती है. सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इनटेंजिबल थिंग्स एंड विच इज़ फेथ, यू नो. बट हाँ, खाली फेथ से भी कुछ नहीं होता. जस्ट इमेजिन आपको कुछ खाना है एंड आपने खाली सॉल्ट ही खा लिया तो क्या होगा? ग्रेट, मतलब कुछ नहीं होता ना, मतलब क्या होगा, मतलब सॉल्ट. सो खाली फेथ से कुछ नहीं होता, खाली सॉल्ट से कुछ नहीं होता. सो फेथ अटैच टू अ लॉट ऑफ बैकिंग ऑफ हार्ड वर्क विल मेक इट सक्सेसफुल इन योर लाइफ, मे बी टुडे, मे बी टुमारो, मे बी वन ईयर लेटर, बट श्योरली ड्यूरिंग द होल जर्नी कीप दिस वेरी सिंपल इन योर माइंड, इन योर हार्ट, इन योर सोल, दैट फेथ अटैच टू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल मेक इट बिग इन योर लाइफ इवेंचुअली, राइट? सो कल मैं कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था, एंड अमिताभ बच्चन टोल्ड वन वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अगर कोई आदमी को, मतलब कोई भी इंसान को अगर बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ना है, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि सक्सेसफुल होना है, एंड वो सक्सेसफुल होने के लिए अमिताभ बच्चन ने बोला कि तीन चीज़ रिक्वायर्ड होती है, अगर तीन चीज़ पे टिक लग गया, मतलब इवेंचुअली यू आर गोइंग अहेड इन योर लाइफ. ओके, सो वो तीन चीज़ क्या है? आस, प्रयास और विश्वास. आस मतलब फेथ, प्रयास मतलब हार्डवर्क, एंड विश्वास मतलब बिलीफ, पता ही है, मतलब विश्वास है ऊपर वाले के ऊपर. सो आई एम टॉकिंग अबाउट फेथ ऑन गॉड, फेथ ऑन योर सेल्फ, फेथ ऑन योर हार्डवर्क,
faith on the process, because some things takes time. Okay, so faith on the timing of God, and eventually faith on this universe. You know, the universe is already magical. It is already creating a lot of magics in your life. You believe it or not, there are miracles happening in your life already. Okay, on a day-to-day life. Okay, so I wanted to talk to you about this wonderful thing, which was really, really, really wonderful thing for me, which has really worked hard for me, and that is faith. And I really hope this made sense to you. I really hope this makes smile into your face, and I really hope this year is going to be a wonderful year, the greatest year of your life. Thank you so much, guys. Take care. Sayonara. हम रहे प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते.